एक बार आज़रत वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी आप अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तू में मसरूफ़ रहे बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे आप वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की और बाज कहने लगे कि नहीं बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया उस देहाती ने कहा हुज़ूर मैं मौजूद हूँ आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत क़ायम होने का इंतज़ार कर उसने कहा ईमानदारी उठने का क्या मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं, तो कयामत का इंतज़ार कर